बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में चार इम्पॉर्टेंट काउंसिल्स, काउंसिल्स यानी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखा गया जहाँ पर बड़े बड़े बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी गुरु है उन लोग आएंगे और तब वहाँ पर बुद्धिज्म से रिलेटेड कई इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा। ऐसे संघ, ऐसे जो ये काउंसिल्स होते हैं, ऐसे काउंसिल्स, चार इम्पॉर्टेंट काउंसिल्स बुद्धिज्म से रिलेटेड करवाया गया था, 1, 2, 3, 4। जो फर्स्ट बुद्धिज्म से रिलेटेड काउंसिल्स है ये गौतम बुद्ध के डेथ के 100 साल बाद, याद करिएगा उनका डेथ कब हुआ था, तो उनके डेथ से 100 साल बाद बेसिकली एक बुद्धिज्म, जैसे गौतम बुद्ध का डेथ हुआ था उसी ईयर में एक फर्स्ट काउंसिल करवाया गया था, दैट इज 483 BC में। तो फर्स्ट काउंसिल करवाया गया था अजातशत्रु द्वारा, अजातशत्रु एक राजा थे, और ये कहाँ पर ये काउंसिल करवाया गया, तो ये राजगीर में काउंसिल करवाया गया था। इस काउंसिल के चेयरमैन थे महाकश्यप, महाकश्यप इस काउंसिल के हेड थे, यानी हेड प्रिस्ट यानी चेयरमैन थे। और इसी फर्स्ट काउंसिल में दो इंपॉर्टेंट काम किया गया था, यानी सुत्त पितक और विनय पितक नाम की किताब लिखी गई थी। सुत्त पितक किससे रिलेटेड है यह आप बताइए, विनय पितक किससे रिलेटेड किताब है यह आप बताइएगा। सुत्त पितक लिखा था आनंद ने, यानी आनंद को गौतम बुद्ध ने जो कुछ भी कहा था उससे रिलेटेड, आई होप यू रिमेंबर, ठीक है। एंड विनय पितक, विनय पितक उपाली ने लिखा था, तो विनय पितक वॉज रिटन बाय उपाली, वेरस सुत्त पितक वॉज रिटन बाय आनंद, ठीक है जी। नाउ सेकेंड काउंसिल करवाया गया था 383 BC में, ये करवाया था एक राजा जिनका नाम था कालाशोक, और ये कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। और इस सेकेंड जो काउंसिल था इसके चेयरमैन थे सब्बाकणी, सब्बाकणी वॉज द चेयरमैन। नैन थर्ड इम्पॉर्टेंट काउंसिल करवाया गया था, थर्ड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म वॉज हेल्ड इन 250 BC, ये करवाया था अशोक ने, और ये जगह कहाँ था, तो पाटलिपुत्र में, उन्होंने ये काउंसिल पाटलिपुत्र में करवाया था, और यहाँ के चेयरमैन यानी हेड प्रिस्ट था तीसा, इनके हेड प्रिस्ट थे। इस थर्ड काउंसिल में दो इम्पॉर्टेंट काम, पहला चीज़ अभिधम पिताक, अभिधम पिताक जो किताब है अभिधम पिताक, ये किताब को लिखा गया था। और इसके अलावा अशोक ने इसी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद कुछ मिशनरीज लोगों को, कुछ लोगों को श्रीलंका भेजा था धर्म की यानी बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार के लिए। और जब श्रीलंका भेजा था तो उन्होंने अपने बेटा और बेटी को भी यहाँ पर भेजा था, तो उनके बेटे का नाम है महेंद्र, उनकी बेटी का नाम है संघमित्रा, तो महेंद्र और संघमित्रा को भी उन्होंने श्रीलंका में बुद्धिज़्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो थर्ड इंपॉर्टेंट काउंसिल और थर्ड काउंसिल करवाया अशोक ने, पाटलिपुत्र में हेड है तीसा, और यहाँ पर अभिधम पिता का नाम की किताब लिखी गई। इसके अलावा मिशनरीज को श्रीलंका भेजा गया था और उसमें महेंद्र और संघमित्रा थे, संघमित्रा और महेंद्र याद रखिएगा। देन फोर्थ काउंसिल, फोर्थ काउंसिल वॉज हेल्ड इन 98 AD में, ये करवाया था कनिष्क ने, कहाँ पर, तो कुंडलवन, कुंडलवन कहाँ है, तो कश्मीर में, तो कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क ने फोर्थ काउंसिल करवाया था। और इस काउंसिल के हेड थे यानी चेयरमैन थे वासुमित्रा और वाइस चेयरमैन थे अश्वघोष। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अश्वघोष की एक सबसे पॉपुलर किताब है, उस किताब का नाम क्या है, बुद्धिज्म से रिलेटेड ही वो किताब है। तो वासुमित्रा इसके चेयरमैन थे और अश्वघोष इसके वाइस चेयरमैन थे। और यही फोर्थ काउंसिल में एक इंपॉर्टेंट काम होता है, वो क्या है, तो बुद्धिस्ट लोग यानी बुद्धिज्म दो पार्ट में बट जाता है, वो है एक हीनयान और महायान। हीनयान को फॉलो करने वाले को हीनयानिस्ट कहते हैं, जो महायान को फॉलो करते हैं वो महायानिस्ट होते हैं। हीनवान वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो पुराना ट्रेडिशन हमारा चल रहा है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और जो महायान थे वो कहते हैं कि अब कुछ नया होना चाहिए। यानी पहले से हम बुद्धा के निर्वाण को कैसे सिंबलाइज करते थे, तो पीपल के वृक्ष से, तो जो नए लोग हैं वो कहते हैं कि बुद्धा का यहाँ पर हम एक मूर्ति बना लेंगे और बुद्धा का मूर्ति अब उसका सिंबल होगा। तो ये जो चेंजेस है, जो चेंजेस को फॉलो करेंगे वो महायानिस्ट हो गए, जो चेंजेस की डिमांड नहीं करते वो कहते हैं कि पुराना ट्रेडिशन को हम फॉलो करेंगे वो हीनयानिस्ट होते हैं, ठीक है जी। बुद्धिज्म, इस यहाँ पर बुद्धिज़्म के दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम पढ़ेंगे। पहला चीज़ है बुद्धिज़्म से रिलेटेड आर्किटेक्चरल वर्क क्या क्या हुआ है, और दूसरा गौतम बुद्ध अपने लाइफ टाइम में कौन कौन से महाजनपद में विजिट करते हैं। ये अक्सर देखिए, एक बार ये UPSC के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और कई PCS एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध अपने लाइफ टाइम में कौन कौन से महाजनपद में उन्होंने विजिट किया था। तो सबसे पहले देखते हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड आर्किटेक्चर कौन कौन सा है। तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड तीन आर्किटेक्चरल चीज़ है, एक है स्तूप, दूसरा है चैत्य और तीसरा है
है विहार। देखिए स्तूप क्या होता है, स्तूप आपने ऐसा सिंबल एक आर्किटेक्चरल चीज देखा होगा कि एक ऐसा बड़ा सा डोम बना हुआ है और लोग यहाँ पर जाएंगे, इसके बाहर घूमेंगे और घूम के दर्शन करेंगे, ये इसे ही कहा जाता है स्तूप। बेसिकली इसमें गौतम बुद्ध से या फिर उनसे जुड़े हुए जो भी बोधिसत्वास लोग हैं, वो बोधिसत्वास से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सामान है तो उन चीज़ों को इसमें डाला जाता है और लोग इसका दर्शन करते हैं, बाहर से ही प्रणाम करते हैं और इसके परिक्रमा करते हैं, उसे कहा जाता है स्तूप। फिर चैत्य इज अ प्रेयर हॉल, इसी के बाजू में एक प्रेयर हॉल बना दिया जाता है, लोग यहाँ पर दर्शन करेंगे उसके बाद में इसी प्रेयर हॉल में बैठ कर ध्यान करेंगे, उसे कहा जाता है चैत्य। और तीसरा है विहार। विहार क्या होता है, तो विहार एक अलग तरीके का रूम है जहाँ पर लोग अब आराम करेंगे, यहाँ पर रेस्ट रूम के जैसा एक आश्रम बना हुआ है, जब आप दर्शन करिए उसके बाद प्रेयर करिए, प्रेयर करने के बाद कुछ समय आराम भी करना है, लोग दूर दूर से आएंगे तो आराम करने के लिए विहार बनाया जाता है रेस्ट रूम। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है विच अमंग द फॉलोइंग आर द थ्री आर्किटेक्चरल वर्क रिलेटेड टू बुद्धिज्म, तो दीज आर स्तूप, चैत्य एंड विहार। ठीक, नेक्स्ट चीज, गौतम बुद्ध अपने लाइफ टाइम में कौन कौन से महाजनपद में विजिट करते हैं, तो गौतम बुद्ध ने अपने लाइफ टाइम में सेवन महाजनपद को विजिट किया था। पहला है कोसल, काशी, मल्ला, मगध, वज्जी, अंगा और वत्स। याद रखिएगा मल्ला ये वही जगह है जहां पर गौतम बुद्ध का बेसिकली उनका लास्ट विजिट अगर किसी किंगडम में हुआ, किसी महाजनपद में, तो वो मल्ला ही था। और ये मल्ला में ही वो जगह है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट देवरिया, और वहाँ पर कुशीनगर और यहीं पर गौतम बुद्ध का डेथ होता है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली देखा है कि गौतम बुद्ध ने अपने लाइफ टाइम पे कौन कौन से जगह पे विजिट किया, कौन कौन से किंगडम में, तो दीज आर द सेवन किंगडम दैट गौतम बुद्ध विजिटेड यू नो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, दैट इज कोसल, काशी, मल्ला, मगध, वज्जी, अंगा एंड वत्स। ओके, फाइन, थैंक यू।